सो वेलकम बैक टू कॉमर्स कुछ जी माई फ्रेंड अभी जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है यही टॉपिक हम लोग बी एस टी का जो है क्लास ट्वेल्व क्लास ट्वेल्व का जो है बी एस टी हम लोग कर रहे हैं क्लास ट्वेल्व का जो है आप जे जे बोर्ड हो झारखंड बोर्ड हो स्टेट बोर्ड हो गया और सी बी एस ई या आई सी एस सी कुछ भी कर रहे हैं तब भी आपको ये ट्वेल्व का जो है एम सी क्यू क्वेश्चन हेल्प करेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एम सी क्यू क्वेश्चन टाइप ठीक है so, सो शुरू से एंड तक बने रहें क्वेश्चन नंबर एक से लेकर लगभग बीस क्वेश्चन रहेगा एम क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके देखिए स्क्रीन शॉट लेके देखिएगा तब तो आपका क्वेश्चन का पूरा सब क्वेश्चन डाउट क्लियर कर देंगे तो लेट्स स्टार्ट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे व्हिच इज वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज फाइनेंशियल एक्टिविटी में जो है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग होता है तो इसको क्या बोला जाता है भाई इसको क्या बोला जाता है भाई फाइनेंस डिसीजन कैपिटल डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या बोला जाता है इसको है ना तो ये जो है इसको क्या बोला जाता है नहीं नेचुरली देखिए आंसर है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है आंसर इज डी फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन प्लानिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी को बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये चारों फंक्शन होता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये सब जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है है ना सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो भाई पैसा पैसा है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट सभी है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये वेल्थ मैनेजमेंट वेल्थ मैनेजमेंट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिपेंड ऑन वेल्थ मैक्सिमाइेशन क्या डिपेंड करता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर और मार्केट प्राइस ऑफ द फिनिश गुड्स और मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री और मार्केट प्राइस ऑफ द फिक्स एसेट सो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर यही राइट आंसर है वेल्थ मैक्सीमाइजेशन वेल्थ मैक्माइज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यही ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सीमाइजेशन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को इंक्रीज क्वेश्चन नंबर थ्री इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है मैनेजमेंट का तीन मेजर डिसीजन होता है है ना सो so, एक हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन दूसरा हो गया क्या हो गया फाइनेंशियल डिसीजन और तीसरा क्या है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखिएगा ठीक है सो क्वेश्चन अभी जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है क्या किसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट ऑफ द करेंट एसेट इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स एंड करेंट एसेट और इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी सो जनरली इसका राइट right आंसर जो है आपका सी होगा बोथ फिक्स एसेट में भी और करंट एसेट में भी इन्वेस्टमेंट करना है उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब आ गया ये हो गया आपका फिक्स एसेट में और करंट एसेट में जो है वर्किंग कैपिटल जिसको बोला जाता है जनरली उसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो उसी को बोलता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी वीडियो अपलोडेड है प्ले लिस्ट आप जाके देख सकते हैं पूरा डिटेल मैंने div, अब समझाया उसको नेक्स्ट इफ द डिविडेंट पोर्सन ऑफ द टोटल अर्निंग इज हायर पोर्सन ऑफ़ रिटर्न अर्निंग विल बी क्या होगा भाई डिविडेंट पोर्सन मैंने डिविडेंट जो है टोटल अर्निंग से जो है ज़्यादा है टोटल अर्निंग से हायर है ज़्यादा है तो रिटर्न यानी क्या होगा ये ज्यादा होगा या कम होगा तो so, नेचुरली और लो होगा और मोरिलेट होगा तो क्या होगा आंसर इज ये बी होगा लोअर होगा डिविडेंड ज्यादा दे दोगे तो रिटर्न यानिंग कम हो जाएगा क्योंकि आप रिटर्न यानिंग से ही पैसा सौ रुपया था आपका अपना डिविडेंड जो है अस्सी रुपया दे दिए तभी कम हो जाएगा ना बीस तो जनरली जो इट इज रिड्यूस रिटर्न यानिंग क्या होगा डिविडेंड दे दोगे तो क्योंकि आप पैसा जो बचा हुआ है उससे डिविडेंड दे दिए तो खर्चा हो गया डिविडेंड दे के, तो ये लो हो जाएगा रिटर्न यानी विल भी लो नेक्स्ट फाइव फाइनेंशियल प्रोसीजर आर डिटर्मिंड बाय फाइनेंशियल प्रोसीजर कौन डिटर्मिन करता है भाई फाइनेंस प्लानिंग और फाइनेंशियल लिवरेज और फाइनेंशियल डिसीजन और कैपिटल स्ट्रक्चर सो ऑल ऑफ दब होगा या फाइनेंशियल प्लानिंग ही होगा फाइनेंशियल प्रोसीजर जो डिटर्मिन करने को फाइनेंशियल प्लानिंग बोला जाता है कहाँ से पैसा आएगा कहाँ कहाँ पैसा इन्वॉल्व इन्वेस्ट करोगे दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग नेक्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर शो क्या डेप्ट डेटर क्रेडिटर रेशियो और फिक्स एसेट टू करेंट रेशियो और डेप्ट इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेफ्ट इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है भाई कितना कैपिटल आप लाओगे डेप्ट कितना लाओगे और इक्विटी कितना लाओगे तो so, और रेशियो को तो बोलते हैं डेप्ट टू तो इज टू तो वन है ना दो अनुपात एक तो डेप्ट इक्विटी रेशियो इसको बोला जाता है दैट इज हाउ मच डेप्ट एंड हाउ मच इक्विटी सो सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर सेवन आ गया भाई फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट आर डिटर्मिट बाय फिक्स्ड कैपिटल जो होता है कैसे डिटर्मिट होता है कैलकुलेट कैसे होता है रिक्वायरमेंट फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट तो इसको क्या बोलता है नेचुरल नेचर ऑफ द बिजनेस नेचर ऑफ़ द बिजनेस एनवायरमेंट और नेचर ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल और नेचर ऑफ द मार्केटिंग एफर्ट्स सो नेचुरली इसको जो फिक्स कैपिटल को नेचर ऑफ द बिजनेस बोला जाता है सी ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपका क्वेश्चन बन जाए और इसको बार बार दो बार तीन बार देखिए ताकि रिपीट करके तो याद हो जाएगा आपका ठीक है वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन नंबर एट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आर लो देन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज हायर टेक्नोलॉजी और हायर डेट डेटर्स और हायर इन्वेंट्री और हायर क्रेडिटर भाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो बोला जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मैंने आप जो है डे टू डे एक्टिविटीज के लिए रनिंग के लिए आप वर्किंग कैपिटल उसको बोला जाता है लेते हो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी नेट वर्किंग कैपिटल जिसको बोला जाता है तो नेट वर्किंग कैपिटल लो हो गया ऑर्गेनाइजेशन का सो वर्किंग कैपिटल जो है आपका लो हो गया लो हो गया रिड्यूस हो गया क्यों हुआ भाई हायर क्रेडिटर सो राइट आंसर इज योर हायर क्रेडिटर क्रेडिटर अगर बढ़ गया सं क्रेडिटर बढ़ गया तो वर्किंग कैपिटल लो हो जाएगा टेक्नोलॉजी और डेटा से कोई इसका रिलेशन नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन डैश इज कंसर्न ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट एज वेल एज द यूसेज ऑफ द फाइनेंस भाई कहाँ से पैसा आएगा इनफ्लो एंड कहाँ से पैसा जाएगा इनफ्लो एंड आउटफ्लो तो so, इसको क्या बोला जाता है फाइनेंशियल एनालिसिस फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बजटिंग तो किसको बोलते हैं इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट इज व्हाट कॉल्ड इनफ्लो एंड आउटफ्लो कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ से पैसा जाएगा किधर से आया किधर से गया इनफ्लो एंड आउटफ्लो ठीक है इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट गिव द ऑप्टिमम प्रोक्यूमेंट ऑफ द फंड है ना डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड लाना है और कहाँ का इन्वेस्ट करो क्वेश्चन नंबर टेन डेस रिप्रेजेंट द इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट रिकॉर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ़ द बिजनेस डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस के लिए जो है करंट एसेट रिकॉर्ड होता है, है ना तो so उसको क्या बोला जाता है भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल और वर्किंग कैपिटल कैपिटल बजटिंग मीडियम टर्म भाई डे टू डे एक्टिविटीज मैंने इसका पहले क्वेश्चन बता दिया वर्किंग कैपिटल बोला जाता है डे टू डे एक्टिविटीज के लिए डे टू डे एक्टिविटीज के लिए आपको पैसा चाहिए उसको बोलते हैं वर्किंग वर्किंग कैपिटल कैपिटल एसेट खरीद रहे हो 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 लॉन्ग टर्म के लिए हो हो सकता है है ना तो so, ये हो गया question, हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर खत्म हम लोग in इसको डेस्ट इन इंक्रीज इन पोर्सन ऑफ द जो है इंक्रीज कर रहा है और प्रीफरेन्स शेयर और प्रीफ्रेंस शेयर जो है ऑफ द टोटल कैपिटल है ना तो इसको क्या बोलता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कैपिटल बजटिंग फाइनेंसिंग डिसीजन और फाइनेंशियल एनालिसिस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इसको बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ द डेप्ट एंड प्रिफरेंस शेयर इन द टोटल कैपिटल टोटल कैपिटल में जो है टोटल कैपिटल जो है इसमें से डेप्ट भी इंक्रीज कर रहे हो और प्रिफ्रेंस शेयर भी इंक्रीज कर रहे हो इसको बोलता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया लग रहा होगा तो भी आप एक बार देखोगे दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डैश इज द टाइम स्पैन बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड रियलाइजेशन ऑफ द गुड्स ऑन सेल प्रोसीड इसको क्या बोलता है इसको बोलता है ऑपरेटिंग साइकिल मतलब क्या हुआ सिंपल में नहीं देखो आपने रॉ मेटेरियल खरीदा क्या आपने रॉ मेटेरियल खरीदा है ना उसके बाद आप क्या किए उसे प्रोडक्शन किए बनाए गुड्स और उसको क्या किए आप सेल किए है ना सेल किए और उसके बाद फिर पैसा आपको मिला रियलाइजेशन कैश आपने रिसीव किया उसको फिर आपने रॉ मेटेरियल किया ये जो चक्कर है गोल चक्कर है जो है इसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल साइकिल मिस रॉ मेटेरियल खरीदे उसके बाद प्रोडक्शन किए फिर बेचे फिर कैश रियलाइज किए फिर रॉ मेटेरियल खरीदे तो so, इसी को बोला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल है ना ऑपरेटिंग साइकिल मिस रॉ मेटेरियल खरीदने से ले पैसा रियलाइज करने में जो टाइम लगता है दो महीना तीन महीना उसको ऑपरेटिंग साइकिल बोला जाता है नेक्स्ट डैस ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेफर टू द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द एसेट सो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसको बोला जाता है भाई करंट एसेट एसेट सो करंट एसेट को बोला जाता है आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट होता है करंट एसेट सो करंट एसेट करंट इज नेट वर्किंग कैपिटल नेक्स्ट डैश कैपिटल रेफर टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट लॉन्ग टर्म एसेट जो है डैश कैपिटल को बोला जाता है फिक्स कैपिटल वेरिएबल वर्किंग कैपिटल तो जनरली आपको जो है वेरिएबल और वर्किंग कैपिटल को बोला जाता है लॉन्ग टर्म एसेट वेरिएबल एंड वर्किंग कैपिटल रेफर टू द इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म एसेट राइट आंसर क्या है भाई इसमें जो है राइट आंसर इज सी वर्किंग कैपिटल रेफर टू द इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म एसेट Next, working capital requirement of the business is not like to be higher than a nature of the business trading or scale of operation of the business small or difficult procedure or metal and rate of inflation is low. So, working capital requirement of the business is not, not like to be higher than its difficult प्रोसेस द रॉ मेटेरियल है ना मैंने वर्किंग कैपिटा साइकिल बताया था उसी का ही आंसर है रॉ मेटेरियल टाइमले नहीं आए भाई वर्किंग कैपिटा साइकिल डिले हो जाएगा नेक्स्ट अंडर हुई सर्कुलेटर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस इज नॉट लाइकली टू बी हायर जो है आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है बिजनेस का जो है हायर नहीं होगा आंसर इज दैन द फाइनेंशियल अल्टरनेशन इज ईजिली एवेलेबल जो आपका फाइनेंशियल जो है इनफ्लो अगर आपका इजीली अवेलेबल है तब आपका ये सिचुएशन अराइज नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटीन हुई इज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ट्रू नहीं है इन रिगार्ड टू द यूज ऑफ फिक्स एसेट फिक्स यूज ऑफ फिक्स एसेट में कौन सा ट्रू नहीं है ले डाउन द एफर्ट्स ऑफ द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ़ द बिजनेस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व एंड बिजनेस रिस्क इन्वाल्व इज लो एंड इन्वेस्टमेंट डिस रिवर्सेबल सो सी द आंसर दैट इज बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व इज लो क्योंकि आप फिक्स एसेट में जो है इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये आंसर जो है गलत है बाकी सब तीनों सही है नेक्स्ट

कैपिटल इक्विटी कैपिटल इशू नहीं कहेंगे क्योंकि सब कुछ लो है है ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए पार्टिकल टाइप का क्वेश्चन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी सिचुएशन ऑन फेवरेबल फाइनेंशियल एवरेज फाइनेंशियल एवरेज क्या है वो लो है तो सेट राइज ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेबल टू द कैपिटल इज क्या होगा मोर देन सिक्सटीन परसेंट भाई नेचुरली ए इज द राइट आंसर क्योंकि आपका जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोलह परसेंट है तो आपको जो है सोलह परसेंट से ज़्यादा ही होना चाहिए है ना सो इंटरेस्ट जो है सोलह परसेंट से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि कैपिटल आपका सोलह परसेंट है फाइनेंशियल एवरेज ट्वेंटी इज द टोटल ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है आपका फिफ्टी लैक्स का क्या है इक्विटी पच्चीस बीस है और आपका प्रॉफिट है टेन लाख है करंट एसेट जो है आपका पैंसल तो आर क्या होगा भाई ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट आर होगा क्योंकि फिफ्टी लाख टोटल कैपिटल है उसमें से बीस लाख डेप्ट है और अर्निंग बिफोर टैक्स टेन है सो तो आपका ट्वेंटी परसेंट हो गया आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है आप कमेंट बॉक्स से कमेंट लिखिए ये आपको मैंने बता दिया नेक्स्ट क्वेश्चन टू और फॉल्स है ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल इशू फाइनेंशियल जो है मैनेजमेंट का एलंग विद द शेयर होल्डर वैल्यू के साथ साथ क्या है ये इट इज़ फॉल्स है क्योंकि ये जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू है और दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है अरेंजिंग ऑफ फंड अरेंजिंग द वेल्थ ऑफ़ द शेयर होल्डर नहीं है सो ये फॉल्स है नेक्स्ट फाइनेंशियल डिसीशन इज अबाउट द डिविडेंट पेमेंट ऑफ द रिटर्न रिटर्न इर्निंग सो फॉल्स है दिस इज द नॉट द फाइनेंशियल डिसीजन है ना फॉल्स है डिविडेंट डिस सच डिसीजन ठीक है नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो डिसीजन अबाउट द इन्टमेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एंड डिविडेंटीजन फॉल्स है सो फाइनेंसिंग डिसीजन जो है अबाउट द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन सो तीन डिसीजन होता है पहले हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन सो दिस इज ऑल अबाउट द एम सी क्यू पहला चैप्टर जो है खत्म हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है मैंने एम सी क्यू करा दिया सो so, इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए